Hello friends, welcome to my channel. So today we are coming up with a vacancy which is in Composite Regional Center CRC which is in Lucknow, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. So इसमें वैकेंसी है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी कंसल्टेंट की. ठीक है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक है और जो ये जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है. 11th मंथ का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये जॉब है, आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 55,000 रुपीस है. एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो एक्सपीरियंस है उसको देख लेते हैं. तो आपको जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में. आपके पास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए या फिर रिहैबिलिटेशन में आपके पास एमफिल होना चाहिए. ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका आरसीआई में. आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में और रिसर्च में. ठीक है, और डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास पीएचडी है रेलिवेंट फील्ड में रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका ये काउंट होगा इसमें. ओके, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ. जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कि आपका ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है. ठीक है, और आप इससे आगे की जॉब के लिए कोई भी अपना क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है जैसे कि आप जानते हो. ठीक है, If the engaged person does not attend office on any working days, अगर आप जो है अपना working days में attend नहीं करते हैं तो आपका absence लगेगा. 11th month का आपका contract based ये job है. ठीक है, और upper age limit and the post based reservation is prescribed for the post as being filled up on the contract basis पे ये आपकी जॉब है और एज लिमिट आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. ठीक है, द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन ऑफ द पोजीशन. आपको जो एप्लीकेशन है वो नीचे अभी अटेस्टेड मिलेगा, बाकी मैं आपको जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी. तो आप वहां से पूरे एप्लीकेशन का पीडीएफ निकलवा के एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं. साथ में आपको जो अटैच्ड इसमें जो अटैच एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करके सेंड करना होगा. ठीक है, आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 500 रुपीस का, जो कि आपको किसके नेम के ऊपर बनवाना होगा, जो आपको स्क्रीन पर ये नेम दिख रहा है इस नेम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा. और जो वुमेन्स हैं या एससी एसटी कैटेगरी की हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनको कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दे देना है. आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है. आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. ठीक है, सो एनी पॉलिटिकल ऑफिशियल इंटरफेरेंस कोई भी मतलब इस तरीके का नहीं है कि किसी अननेसेसरी वे से आप एडमिशन ले सके. एडमिशन का एक ही प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना होगा. एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और 21 डेज के मतलब इस एडवर्टीजमेंट के 21 डेज के अंदर आपको वो इस ऑफिस में जमा कराने होंगे. ठीक है, तो ऑफिस का जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला एड्रेस, द डायरेक्टर कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल्स, इस नेम पे इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा. ठीक है, जो लास्ट डेट है वो है 22 जून. ठीक है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, 22 जून 2021. ठीक है, और अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेरी होती है या आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे भी अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं. ठीक है, नीचे इसके बाद हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म है. एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी यहाँ पे फोटो, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मैरिटल स्टेटस, आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रेजेंट आपका एड्रेस. ठीक है,
आपका परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर जिससे वो आपको मेल करेंगे, और आप किस पोस्ट पे हैं या आप फिर मतलब कहाँ पर अभी जॉब करते हैं प्रेजेंटली, वो आपके क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ फिल करने होंगे। एडिशनल अगर कोई क्वालिफिकेशंस है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है आपको, टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द पोस्ट इज ऑफर्ड। रेफरेंस के लिए आपको नेम देना होगा या डेजिग्नेशन या एड्रेस, ईमेल आईडी, दो रेफरेंसेज आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। मीन्स दो विटनेस टाइप, विटनेस के जैसे दो आपको रेफरेंसेज देने होंगे। साथ में आपको डीडी में आपकी जो बैंक डिटेल है, बैंक का नाम, डीडी का नंबर और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट और अमाउंट, ठीक है। नीचे ये आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है। आई हेयर बाय डिक्लेयर कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या जो भी एप्लीकेशन में लिखा है वो आपने सही लिखा है, अगर आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की हो तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और नीचे आपका सिग्नेचर, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। तो ये थी पूरी एप्लीकेशन जो भी है जॉब की, वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।